तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। क्या यूपी में हिंसा फैलाने के पीछे सोची समझी साजिश है? बाहरी तत्वों का हाथ है इसमें। क्या बाहरी तत्वों ने यूपी के अलग अलग शहरों में घुसकर उपद्रव मचाया? जो भीड़ यहाँ पर थी वो सारी भीड़ लोकल नहीं थी। वो बताया कि हमारे बीच के लोग और हमारे समाज के लोग ही ये बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग बाहरी हैं। यूपी में हिंसा का पश्चिम बंगाल कनेक्शन क्या है? इसमें जांच से ये भी आ रहा है कुछ लोग बाहर से आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लखनऊ में जिस भीड़ को आपने पथराव करते आगजनी करते देखा था उसमें कई पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर लोग यूपी छोड़कर फरार हो गए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें 6 आरोपी पश्चिम बंगाल के हैं। सूत्रों से खबर है कि हिंसा फैलाने के लिए उपद्रवियों को यहां बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी बाहरी तत्वों के साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हमने विवेचकों की टीम बनाई है, वो टीम अपना निरीक्षण परीक्षण कर रही है। ये बताना उचित नहीं होगा कि ये है, लेकिन बाहरी तत्वों का हाथ है इसमें। हम सभी एंगल्स की जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन उसमें तत्व शामिल थे। उसमें एनजीओज भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनल भी शामिल हो सकते हैं और बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अगर यूपी पुलिस की बात सच माने तो सवाल उठते हैं कि ये किसकी साजिश है? उपद्रवियों को बंगाल से यूपी भेजने वाला कौन है? लखनऊ ही नहीं, मेरठ पुलिस को भी शक है कि चेहरा ढककर पत्थर मारने वाली वो भीड़ स्थानीय नहीं है, वो बाहरी थी। उसके पास हथियार भी थे। उन्हीं की गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हुई, यानी हिंसा भड़काने की पूरी तैयारी थी। कुल मेरठ में 4 लोग की मृत्यु हुई है और मुजफ्फरनगर में 1 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उनकी जो चोट है वो किसी ऐसे कारण से नहीं है जो कि वेपन पुलिस के द्वारा यूज़ किया जाता है। और इसमें जांच से ये भी आ रहा है कुछ लोग बाहर से आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पिछले 2 दिनों से उपद्रवियों ने यूपी में कहीं बस जला दी, कहीं तोड़फोड़ की, कहीं थाने में ही आगजनी कर करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान को योगी सरकार इन उपद्रवियों से ही वसूलेगी। यूपी पुलिस सीसीटीवी की मदद से उन उपद्रवियों के चेहरे पहचान रही है। उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, जो तोड़फोड़ मचाई उसकी भरपाई करो वरना संपत्ति जब्त कर वसूल लिया जाएगा। जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। गोरखपुर में 9 लोगों की जो तस्वीर जारी हुई है, एक एक चेहरे को पहचान लीजिए। यूपी पुलिस की माने तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में हिंसा का तांडव मचाया। गोरखपुर पुलिस ने ट्वीट कर इन 7 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। जानकारी देने वालों को इनाम का ऐलान भी हो गया है। इसी तरीके से यूपी पुलिस उपद्रवियों से हिंसा का हिसाब लेने की तैयारी में जुट गई है। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने एक हिंसात्मक कार्रवाई की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बट साथ ही साथ हम किसी निर्दोष व्यक्ति को भी नहीं गिरफ्तार करेंगे। 10,000 FIR के जरिए यूपी पुलिस अब उन उपद्रवियों का बायोडाटा तैयार कर रही है जिसकी वजह से 12 लोगों की जान गई, सैकड़ों पुलिस वाले घायल हुए। पूरे यूपी से 600 से ज्यादा लोगों को हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में 200 से ज्यादा तो प्रयागराज में 150 से ज्यादा लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। गाजियाबाद में 3600 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। एक्शन में खुद मुख्यमंत्री भी हैं। योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल से मिले, उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए।